माला के नेता मुकेश सहनी एक सिंगल है। हाँ, मुकेश सहनी। हाँ, मुकेश सहनी पूरे बिहार में मुकेश सहनी। हरी सहनी कहते हैं कि हाँ। चलिए, अगर लोकतंत्र का हत्या नहीं हुआ तो महागठबंधन की सरकार। ओनली मुकेश सहनी, ओनली मुकेश, मुकेश सहनी के नाम पर आप लोग महागठबंधन को जिता रहे हैं। महागठबंधन पिंडी है हम लोग। हाँ छाप है। हाँ छाप है, खुल के खुल के। अरे इधर मोदी जी 400 पार कह रहे हैं। 400 पार कह रहे हैं तो 4 तारीख को बुझाएंगे। चुनावी सफर पे हैं, पांचवें चरण के मतदान मुजफ्फरपुर लोकसभा में होना है और इसको लेकर हम अभी मुजफ्फरपुर लोकसभा के जहाँ विधानसभा में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए लोग रोड पे खड़े हैं। इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार की लहर क्या होगी, क्योंकि एक तरफ है महागठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए, एक तरफ है मुकेश सहनी तेजस्वी यादव लालू यादव, दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और चिराग पासवान। क्या लगता है इस बार का पलड़ा किस पर भारी? इस बार का पलड़ा भारी लगता है महागठबंधन की। काहे? इसलिए कि महंगाई, बेरोजगारी और मतलब कि जो तानाशाही के बरखिलाफ में महागठबंधन भारी है। हाँ, हाँ। तो इससे पहले 10 साल निषाद जी, अजय निषाद जी थे बीजेपी में, तो क्या लगता है विकास किए थे? हाँ, विकास के काम तो कर भी किए तब। हाँ। तो इस बार उनका पक्ष में वोट मतदाता करने जा रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस में गए हैं तो वोट करना है आप लोगों को? हाँ, कांग्रेस में गए नहीं। हाँ। हम लोग विकास की ओर। हाँ। जो जनता के विकास की ओर जो बात करता है हम उसको वोट देते हैं। अजय निषाद विकास किए हैं? हाँ, विकास किए हैं क्षेत्र में। एक तरफ मुकेश सिंह तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार सुपड़ा साफ है, उधर मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार तो पार है कि 200 किसी में सिमटे जाते हैं। ये तो जनता का जनमत है। हाँ। जनता जो चाहेगी वो होगा। हाँ। चलिए, अगर लोकतंत्र का हत्या नहीं हुआ। हाँ। तो महागठबंधन की सरकार हर हालत में बनना तय है, एकदम तय है। चलिए, तो क्या लगता है इस बार? आपका नाम पहले नाम बता दें। हमारा नाम रूपलाल सहनी है। बताइए क्या लगता है इस बार? एक तरफ है अजय निषाद जी, दूसरे तरफ एनडीए से भी सहनी जी है, क्या लग रहा है? महागठबंधन, महागठबंधन अजय निषाद जी को। अजय निषाद जी मैंने मुकेश सहनी के नाम पे। हाँ, मुकेश सहनी, हम लोग मुकेश सहनी है। हाँ। वो जो आवे। हाँ। उसी में मिलेगा। मुकेश सहनी जिसके साथ रहेंगे उसको वोट करेंगे, खुल के खुल के। अजय निषाद जी को आप लोग जिताएंगे? एकदम, बहुत वोट से जीतेंगे। हाँ। अरे मोदी जी कह रहे 400 पार दो रू हवा भाई है। हाँ। वो चिप्स उसमें बेईमानी उमानी को कर ले। हाँ। दरअसल वोट उठाए नहीं। 400 पार कर रहा है एवीएम में, बेईमानी करेगा, तेल लेल कर रहा है। अच्छा, एवीएम में बेईमानी करके 400 पार करेगा? अच्छा बाबा, पहले अपना नाम बता दीजिए। हम महेंद्र सहनी। अच्छा सहनी जी, बताइए एक तरफ महागठबंधन दूसरे तरफ एनडीए, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी? देखिए दोनों में कंपटीशन है। हाँ। लेकिन अब कहना नमकीन है, अभी आपको कह दे कि फला जीतेगा। हाँ। कहना नमकीन है। नहीं, लहर सबसे ज्यादा किसकी है? नहीं ऐसे ऐसे तो आपको आरजेडी के है। आरजेडी के है। देखिए लोग हैं रास्ते से जा रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? अशोक पासवान। पासवान जी 20 तारीख को मतदान करने जाएंगे, पांचवें चरण की मतदान होना है। एक तरफ है महागठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? पलड़ा का विषय में तो हम लोग को जानकारी नहीं है कि बता नहीं सकते। हाँ। किसको चुनना पसंद करेंगे? चुनना तो ये तो अपना व्यक्तिगत विचार है, इसीलिए तो हाँ बोलेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अभिषेक रंजन। अच्छा रंजन जी, आपका 18 साल पूर गया है ना? प्लस हो चुका है ना? प्लस क्या चुका लगता है इस बार किस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी? देखिए हम बताते हैं आपको, इस बार बीजेपी के सरकार लाएंगे, सभी पार्टी को पसारेंगे, होगा बहुत बड़ा घमासान हो। इसके बाद हम जैसे कि मोदी के बारे में हम बता दे, श्रीमान नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उन्होंने बहुत ऐसा प्रशंसनीय कार्य किया है। हाँ। पर उनसे कुछ ऐतराज भी है, जैसे कि तिरुपुर में एक घटना हुआ था, वहां पे जो मतलब कि बिहारियों को मारा गया, काटा गया, ठीक है। हाँ। पर वहां पे आरजेडी वाले जो है मनीष कश्यप भैया को मतलब कि जेल में डलवा दिया, फंसाया गया, ठीक है, जाल में फंसाया गया है। दूसरी बात केजरीवाल, केजरीवाल को बीजेपी ने फसाया, बीजेपी ने फसाया, ये दूसरी गलती। तो ये तो नाराजगी जता रहा है, फिर बोल रहा है कि मोदी जी की सरकार आएगा? नहीं, कुछ गलती है जो बीजेपी ने की। क्या बोले? ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कोई, मोदी जी का विकल्प नहीं है, एकदम दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इधर आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का वोट हम लोग कट्टर हिंदू का सपोर्ट है। मैंने राष्ट्रवाद को आप लोग वोट करें? यस। आइए देखिए, 80 चुटकी 90 ताल रगर के खैनी मुंह में डाल। नहीं बोले, क्या नाम है? अपना नाम? हमारा नाम विजय सहनी। विजय सहनी जी, क्या लगता है इस बार? एक तरफ महागठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए। हम लोग हाथ छाप है। हाथ छाप है, खुल के खुल के। अरे इधर मोदी जी 400 पार कह रहे हैं। 400 पार कह रहे हैं तो 4 तारीख को बुझाएंगे। मैंने 4 तारीख को पता चल जाएगा यहाँ से, एकदम फुल बहुमत से जिताने के लिए तैयार है? फुल बहुमत। अच्छा अजय निषाद जी से पहले बीजेपी में ही थे, बीजेपी के तरफ से थे, 10 साल में कितना विकास किए हैं? विकास जो हुआ
हर सरकार बनता है कौन ज्यादा विकास करता है, नीतीश कुमार थे तो ज्यादा विकास कर दिए बिहार में, तो बिहार में विकास नहीं हुआ है बहुत। नीतीश कुमार बोले कि हम पूरा विकास कर दिए हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ कर दिए, नल जल योजना व्यवस्था ला दिए, दारू बंद करा दिए। दारू बंद करा दिए तो घर घर तो दारू बनिए रहा, क्या बात करते हैं। दारू बंद करा दिए, कितने आदमी दारू बंद करके घर घर चूहा बना के पी के मर रहा है। अच्छा, प्रत्याशी लोग घूम रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं ना, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या क्या मुद्दा पर, किस मुद्दे पर आप लोग वोट मांग रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं? हम लोग का मुकेश सहनी के मुद्दे पर दे रहे हैं। अच्छा, मुकेश सहनी को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोचहा में मुकेश सहनी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आइए, वहाँ पर एक चाचा बैठे हैं, उनसे भी पूछेंगे और उनसे जानेंगे। चाचा देखिए, पूरा चेयर लगा के बैठे हैं, पता नहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं पंखा चला के, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह चाचा, क्या नाम है? राम संजोग सहनी। सहनी जी, चुनाव तो आ गया है, 20 तारीख को मतदान करने आप भी जाएंगे? एक तरफ है महागठबंधन, दूसरे तरफ है एनडीए, किसको जिताना पसंद करेंगे? हम लोग महागठबंधन को ही पसंद करते हैं। महागठबंधन को? हाँ। महागठबंधन विकास किया है जी? विकास बहुत करेगा निश्चित। मोदी जी कह रहे हमने विकास किया है, मोदी जी विकास तो इतना कर दिया कि हमको बिहार में 3-4 को। एक चुनाव आ गया है, 20 तारीख को आप मतदान करने जाएंगे, एक तरफ महागठबंधन दूसरे तरफ एनडीए, क्या लगता है किसका हवा? बस यहाँ पर हवा सिंगल पूरे बिहार के पैमाने पर कहता हूँ कि यहाँ पर मोदी को एक भी सीट प्राप्त नहीं होगा बिहार में। 400 पार का नारा लगा रहे हैं मोदी जी, गलत बोल रहे हैं आप। जैसे मीडिया को 6 महीना पहले वो बुलवा करके इस तरह से वो पूछवा चुके थे, जिसमें मीडिया वाला वहाँ रिपोर्ट किया कि आप इस बार बिहार में हार जाएंगे, जिसके लेकर के वो 400 पार का हवा अमित शाह और वे उठाए थे। तो क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? किसको? मोदी जी को। अरे वो ना हार रहा है, झूठ के ना भाई उठाए हुआ 400। मुजफ्फरपुर से किसको जिता रहे हैं? मुजफ्फरपुर से मजाद निषाद को जिता रहे हैं, महागठबंधन को। उधर भी सहनी है, और सहनी से मतलब नहीं है, वो सहनी खून चूसने वाला है, डॉक्टर है, खून चूस करके पैसा रख करके एक भी दिन क्षेत्र में आता कोई नगर। मालाहू की नेता माना जाता है, किसको मानते हैं आप? माला के नेता मुकेश सहनी एक सिंगल है। मुकेश सहनी? हाँ, मुकेश सहनी पूरे बिहार में मुकेश सहनी। हरीश सहनी कहते हैं कि हरीश सहनी मदन सहनी चोर है, चोर शैतान, वो नहीं, हरीश सहनी और मदन सहनी नहीं चाहिए। मलाहो के नेता नहीं है, नहीं है। हरीश सहनी दावा करते हैं कि मलाहो के नेता हम हैं। हरीश सहनी के तभी बुझाएगा जो वहाँ जो अभी जो घूमा फिरा क्षेत्र में, और उसके मुताबिक अगर वोट ना आएगा तो मोदी समझ जाएगा जो हरीश सहनी कोई नेता नहीं। तो कौन है नेता? बस मुकेश सहनी, ओनली मुकेश सहनी, ओनली मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के नाम पर आप लोग महागठबंधन को जिता रहे हैं, महागठबंधन को, पंजा छाप को जिता रहे हैं। इस कांग्रेस से लड़ने के लिए 1964-1968 में मैंने आंदोलन किया था, जेपी आंदोलन के माध्यम से, और इस सरकार को विलीन किया था। तो आप 70 साल कांग्रेस ने लूटा है बीजेपी? नहीं, लूटा नहीं कांग्रेस। कांग्रेस लूटने जिस समय लूटने लगा था उसी समय उसको बहिष्कार करके हम लोग जेपी आंदोलन के माध्यम से उसको हटा दिया था। कांग्रेस को फिर कांग्रेस को बुला रहे हैं। क्यों? यान और शान की लड़ाई। जब वजह से भाजपा ही सरकार अगर 10 वर्ष रह गया है मोदी जी बिहार में, क्या किया गठबंधन, महागठबंधन जो आया है ये निश्चित जो मोदी नहीं किया वो बिहार के लिए करेगा तो करेगा, करेगा करेगा, एकदम करेगा। विश्वास है? एकदम विश्वास है। तेजस्वी यादव कह रहे 17 महीने में बहुत रोजगार दिए हैं, विश्वास है क्या रोजगार देंगे? है, रोजगार देंगे वो, दिया है, अभी भी 1.5 लाख के वजह से नौकरी में रखा है, तेजस्वी रखा है। चलिए, तो देखिए यहाँ बोचहा में निषाद समाज मुकेश सहनी को मानता है अपना नेता, और मुकेश सहनी को लेकर अजय निषाद को जिताने के लिए ठान लिया है। और मुजफ्फरपुर लोकसभा में जो 20 तारीख को मतदान होगा, जो यहाँ के वोटर वोट करेंगे, और 4 जून को जो परिणाम आएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी के पलड़ा कितना भारी होता है, मुकेश तेजस्वी की जोड़ी है कितना चमत्कार साबित हो सकता है बिहार में। फिलहाल इस उपन्यास में तय रहने देते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।